हे हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोग। एंड ये वीडियो के अंदर आपको कमाल का थीम मिलने वाला है। जी दोस्तों, कमाल का थीम। एंड जैसे ही वो आपको वार्ड बोल रहा हूँ ना कमाल के, वैसे ही थीम मिलने वाला है दोस्तों। इसीलिए वीडियो को आगे देखे रहो भाई, ये प्रमिस कर रहा हूँ। यदि आप कलरवेस 7 या फिर रियलमी UI यूज़ करते हो, ये जो थीम है ना, इतना तबाही आपकी फ़ोन के अंदर काम करेगा ना भाई, सच बता रहा हूँ, दिल आ जाएगा आपकी इस थीम के ऊपर। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप आगे देखते रहिए। एंड इसमें आपको बताऊंगा इसमें आपको क्या क्या चीज़ फीचर्स मिल जाता है इस थीम के अंदर। एंड जो भाई ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि नहीं हमको नई फिंगरप्रिंट या फिर नई चार्जिंग एनिमेशन चाहिए, वो भी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इसमें आपको नया चार्जिंग एनिमेशन फिंगरप्रिंट मिलता है एंड इसमें A to Z चेंजेस मिलता है गाइस। चलो देखते हैं इस वीडियो को दोस्तों। इस थीम का नाम है IQ00, जो उसका थीम है, समझ रहे हो, IQ00 जो भी आप बोल सकते हो उसी का ही थीम है। एंड इसमें आपको सब कुछ चेंज मिल जाता है, A to Z चेंजेस मिल जाता है एंड दैट्स अमेजिंग थीम एक्चुअली। एंड इसमें आपको नोटिफिकेशन पैनल हो गया, आइकन्स हो गया, सभी चीज़ मिल जाता है। और गाइज, लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया तो लाइक कमेंट कर देना, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमको पता लगना चाहिए कि आपको कौन सा थीम अच्छा लगा नहीं लगा, तो इसलिए लाइक एंड कमेंट ज़रूरी होता है। तो पहले इंटरफेस देखोगे इस तरह का मिल जाता है इंटरफेस, कुछ आपको होम स्क्रीन का एंड बहुत ही एपिक इंटरफेस मिल जाता है। ये जो विजेट आप देख सकते हो क्लॉक का, उसको यदि विजेट को डाउनलोड करना है या फिर यूज करना है, तो सिंपली KWGT का जो एप्लीकेशन से उसको करेंगे एंड उसको इंस्टॉल करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली उसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा। एंड मैं आपको देखा तो उसका आइकन्स को इसके साथ ऐसा देखने को मिल जाता है, जो बहुत ही एपिक आइकन्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है, बहुत ही ज़्यादा धासु इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है आइकन्स के लिए। एंड चलिए बात करते हैं आपके नोटिफिकेशन पैनल की। जी दोस्तों, नोटिफिकेशन पैनल भी मैंने मॉडिफिकेशन किया है IQ की तरह। एंड उसका जो नोटिफिकेशन पैनल, उस तरह का आपको जितना भी रियलमी के सपोर्ट करता है, रियलमी जितना भी सपोर्ट करता है, मैंने उतना तक मैंने किया है। एंड ऊपर में देख सकते हो एक, मतलब IQ का, जो IQ का वीवो का समझ सकते हो, उसका मैंने एक आइकन्स लगाया है जो बहुत ही ब्यूटीफुल देखने को मिल जाता है। एंड उसका जो नोटिफिकेशन पैनल का सेफ है, जो पूरा एक्यूरेट मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छा आपको इंटरफेस मिल जाता है। बात करते हैं फिंगरप्रिंट की गाइज एंड लॉक स्क्रीन की गाइज। लॉक स्क्रीन भी आपको इस तरह का देखने को मिल जाता है, बहुत ही कमाल का लॉक स्क्रीन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड यदि इसका डार्क थीम चाहिए तो मेरे को बता देना, मैं आपको ज़रूर बना के दे दूँगा। सिंपल सी उसमें जाना है यहाँ पे, एंड इसमें सिंपल सी इस क्लिक करके रहोगे तो उस तरह का आपको फिंगरप्रिंट का जो एनिमेशन से वो हो जाएगा। यानी एक सॉफ्टवेयर फिंगरप्रिंट एनिमेशन से, यदि आपके फ़ोन के अंदर फिंगरप्रिंट नहीं है इनबिल्ट वाला सेटिंग्स वाला, तो ये यूज़ कर सकते हो बहुत आसानी तरीके से। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे अपने सेटिंग्स की। जी दोस्तों, सेटिंग्स भी मैंने एक मॉडिफिकेशंस किया है एंड वीओ जैसा, एंड बहुत ही एपिक सेटिंग्स पैनल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड मैं सच बता रहा हूँ, यदि आप रियलमी UI मतलब कॉलोस 7 यूज़ करते हो तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये थीम आपके काम करेगा। एंड यदि कॉलोस 5 और 6 यूज़ करते हो तो मे भी उसमें कोई चीज़ आपकी फ़ोन के अंदर मे भी ना काम करे, उसमें कोई गारंटेड देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरह का आपको इंटरफेस मिल जाता है। एंड सेटिंग्स वगैरह आपने देख लिया है। नोटिफिकेशन पैनल भी देखोगे, मैंने पूरा वीवो का बैटरी आइकन ऐड किया है। एंड स्टेटस बार ऑल्सो मैंने वीवो का ही लगाया है, जो बहुत ही अच्छा आपको इंटरफेस प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ पे तो देख लिया है, इस तरह का देखने को मिल जाता है। दोस्तों बात करें यहाँ पे चार्जिंग एनिमेशन की, दोस्तों इस तरह का कुछ आपको चार्जिंग एनिमेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नया चार्जिंग एनिमेशन मैंने ऐड किया है, वीवो या फिर IQ मतलब बोल सकते हो, वो भी मतलब मॉडल है उसका ही चार्जिंग एनिमेशन ऐड किया है। बहुत ही अच्छा आपको चार्जिंग एनिमेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। एंड अभी तो बात हमने कर लिया है किसको कैसे अप्लाई करना है या फिर सभी मतलब कैसे इस इंटरफेस के साथ दिखता है एंड फीचर्स में क्या मिलता है। चलो हम बात करते हैं इस थीम को कैसे डाउनलोड करना है एंड उसको कैसे इंस्टॉल करके आपके फोन के अंदर अप्लाई करना है। दोस्तों सिंपल सी आपको थीम आपको 2 वेरिएंट में मिल जाएगा। पहला जो वेरिएंट होगा फिंगरप्रिंट एनिमेशन, एंड जो दूसरा फिंगरप्रिंट मतलब होगा वो विदाउट फिंगरप्रिंट एनिमेशन के लिए। दोस्तों आपकी फ़ोन के अंदर यदि फिंगरप्रिंट पहले से है तो आप विदाउट फिंगरप्रिंट डाउनलोड करना। यदि आप फ़ोन के अंदर फिंगरप्रिंट नहीं है या फिर फिंगरप्रिंट यूज करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर वाला, तो फिर आप विद फिंगरप्रिंट वाला ट्राई कर सकते हैं। तो इसीलिए तो मैं ये वाला सॉफ्टवेयर फिंगरप्रिंट जनरेट करता हूँ एंड आपको प्रोवाइड करता हूँ। एंड फाइल का साइज़ देखोगे इस तरह का आपको कुछ 20 MB का मिल जाएगा एंड एक आपको 18 MB का मिल जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से एंड इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है। एंड जी दोस्तों, अब तक वीडियो देख रहे हो टेलीग्राम एंड इंस्टा में फॉलो नहीं किया है तो कर लेना गाइस, नीचे आपको लिंक भी मिल जाएगा एंड सब्सक्राइब भी कर देना यदि वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है।
तो इस तरह का मिल जाता है। तो सिंपल से मैं इसमें क्लिक करूँगा एंड जैसे मैं क्लिक करूँगा इसका जो थीम का प्रीव्यू है कुछ आपको ऐसा देखने को मिल जाता है एंड इसमें आपको पूरा विजेट के साथ साथ सब कुछ आपको क्लियरली शो हो जाता है। एनिमेशन हो गया, यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल हो गया, आइकन्स हो गया, सब कुछ देखने को मिल जाता है। सिंपल से आपको क्या करना होगा, थीम के ऊपर जो ट्राई आउट बटन आपको दिख रहा है सिंपल से ट्राई आउट पर क्लिक कर देना है एंड जैसे ही ट्राई आउट पर क्लिक करेंगे आपका जो थीम है 5 मिनट्स के लिए अप्लाई हो जाएगा आपके फ़ोन के अंदर, ओप्पो एंड रियलमी स्मार्टफोन के अंदर। तो अभी क्या करना है, सिंपल से अभी आपको 5 मिनट्स का ट्रायल को बाईपास करना है यदि इस थीम को आप परमानेंटली यूज़ करना चाहते हैं। तो सिंपल से मैं अभी इस थीम को परमानेंटली यूज़ करूँगा तो मेरे को अभी क्या करना पड़ेगा, मेरे को अभी आई मोड प्रो ओपन करना पड़ेगा एंड 5 मिनट्स का ट्रायल को डिसेबल करना पड़ेगा। जी दोस्तों, मैं एक बात बता देता हूँ, यदि आपके फ़ोन के अंदर अपडेट हो चुका है, कोई नया पैचेस अपडेट आ चुका है रियलमी की तरफ से या फिर ओप्पो की तरफ से, तो एक काम करना आप एक वीडियो की लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यूनिवर्सल वीडियो, या फिर मेरे को टेलीग्राम में मैसेज कर देना, मैं आपको वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आपको वो वाला वीडियो देख के 5 मिनट्स का ट्रायल को बाईपास कर सकते हो एंड इस तरह यहाँ पे देखो ब्लू कलर का बटन को क्लिक करना है, यहाँ पे आपकी थीम अप्लाई हो जाएगा। एंड जैसे कि मैंने आई मोड इसीलिए अप्लाई किया कि मेरे फ़ोन के अंदर कोई अपडेट नहीं आया है, तो अभी तक मेरा आई मोड काम कर रहा है, तो इसलिए मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ। दोस्तों बस वीडियो में इतना ही था। दोस्तों मैंने आपको सब कुछ बता दिया है किस थीम को डाउनलोड करना है, किसे डाउनलोड करना है और अप्लाई करना है और थीम के अंदर क्या क्या फीचर्स मिल जाता है एंड आई होप कि गाइस इस थीम आपको पसंद आएगा एंड इसको डाउनलोड करके यूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वन एंड नेक्स्ट वीडियो। वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक भी कर देना। बाय बाय एंड टेक केयर।